इरफान खान बैक इन टाउन, हिंदी मीडियम 2 से एक बार फिर धूम मचाने आ रहे हैं इरफान खान। इससे पहले ऑनलाइन वायरल हुई तस्वीरों में इरफान खान एयरपोर्ट पर पेपराजी से बचते हुए देखे गए। ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर ऑफ बॉलीवुड। इरफान के फैंस के लिए वो पल बहुत ही दुखद था जब उन्हें पता चला था कि इरफान को ट्यूमर है, उन्हें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर था। इरफान खान सेड बीइंग इन हिज करंट स्टेट ऑफ हेल्थ हैज टेस्टेड हिम फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अब इरफान खान बिल्कुल ठीक हैं और बहुत जल्द अपनी अगली फिल्म हिंदी मीडियम 2 लेकर आएंगे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इस फिल्म में उनके साथ करीना कपूर खान की जोड़ी दिखेगी। इरफान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बहुत ही इमोशनल और स्पेशल मैसेज किया है अपने फैंस के लिए। उन्होंने लिखा है, सफलता हासिल करने के लिए हम कितना कुछ भुला देते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो हमें फिर याद आ जाता है। मैं अपने सभी फैंस को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। 52 साल के हो चुके इरफान खान ने ऑडियंस को हमेशा ही एंटरटेन किया है। उन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई है। उन्होंने पान सिंह तोमर, हिंदी मीडियम पीकू, हॉलीवुड की लाइफ ऑफ पाय, लंच बॉक्स, हैदर जैसी कितनी ही सुपरहिट फिल्में दी हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इरफान की फिल्म हिंदी मीडियम 2 के लिए कितनी एक्साइटमेंट है।